वीडियो में बिगिनर नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं 9 बज गए। नवंबर के पहले हफ्ते में ही बर्फबारी सुनकर हैरानी होती है, लेकिन ये सच सामने आया है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। हिमाचल के रोहतांग पास में जमकर बर्फबारी हुई, तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भी बर्फ गिरी। आसपास की पूरी पहाड़ियां सफेद हो चुकी हैं और तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी नवंबर महीने का पहला सप्ताह भी नहीं बीता है, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों का सफेद होना शुरू हो चुका है। जिन तस्वीरों से हम हर साल नवंबर के आखिरी सप्ताह में रूबरू होते हैं, अब की बार उनसे अभी से ही सामना होने लगा है। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के रोहतांग की, जहाँ की तस्वीरों को देख कर रोमांच तो पैदा हो रहा है, लेकिन जरा उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो उस बर्फबारी का शिकार हो रही है। शिकार इसलिए क्योंकि बर्फबारी के बाद हाईवे पर गाड़ियों का लंबा काफिला खड़ा है। गाड़ियां फंस चुकी हैं, लोग फंस चुके हैं, ना आगे बढ़ने का रास्ता साफ है और ना ही पीछे जा सकती हैं। रोहतांग पास के इलाके में ये सीजन की दूसरी बर्फबारी है, लेकिन इसे मौसम वैज्ञानिक वक्त से पहले ही बता रहे हैं, लिहाजा पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए ये रोमांचक भी है, लेकिन तमाम मुश्किलों के साथ। अब हिमाचल प्रदेश से रुख करते हैं उत्तराखंड का, और यहाँ भी हालात हिमाचल प्रदेश की तरह ही हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में मौजूद बद्रीनाथ के आसपास भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ मंदिर के आसपास भी रात के वक्त हल्का स्नोफॉल हुआ। मंदिर के कपाट अभी भी खुले हैं और बर्फबारी के बाद कड़कड़ाती ठंड में श्रद्धालुओं की हालत खराब है। ये जरूर है कि उन्हें कपाट बंद होने से पहले ही बर्फ के दर्शन का भी लाभ मिल गया है। बद्रीनाथ के आसपास ऊंची पहाड़ियों पर नजर फेरिए, सब कुछ सफेद हो चुका है। स्नोफॉल के बाद न्यूनतम तापमान भी शून्य के करीब पहुंच गया है और आने वाले दिनों में अब इसमें और गिरावट ही आएगी, यानी पहाड़ों पर बर्फ और मैदानी इलाकों में बारिश ने सर्दियों के स्वागत का पूरा प्लॉट तैयार कर दिया है। बद्रीनाथ में कमल नयन सिलोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक ट्रक मिनी बस से टकरा गई। ओवरटेक करने की कोशिश में यह हादसा हुआ, लेकिन इसी दौरान ट्रक ने तीन गाड़ियों में जबरदस्त टक्कर मार दी। दो गाड़ियां तो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, जबकि ट्रक भी गड्ढे में जा गिरी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बुरी तरह से घायल नहीं हुआ। यहाँ ये हादसा हुआ, वहीं एक शख्स मोबाइल पर बात भी कर रहा था, लेकिन मौत उसके बिल्कुल करीब से गुजर गई। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।